बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी की जमानत को एक बार फिर से कोर्ट ने खारिज कर दिया। खबरों की मिली जानकारी के अनुसार सिद्धार्थ पिठानी की अर्जी NDPS कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए ही इस अर्जी को खारिज कर दिया गया। NCB ने जोनल डायरेक्टर समीर वानखड़े ने मामले की और जानकारी देते हुए बताया था कि सिद्धार्थ पिठानी की जमानत इसलिए खारिज कर दी गई है क्योंकि इसमें किसी प्रकार की कोई भी योग्यता नहीं थी। आपको बता दें कि इससे पहले भी सिद्धार्थ पिठानी ने जमानत की याचिका दायर की थी, लेकिन उस दायर याचिका को खारिज कर दिया गया था। सिद्धार्थ पिठानी को अपनी शादी के लिए जमानत दी गई थी, लेकिन जमानत के बाद उन्होंने फिर से खुद को सरेंडर कर दिया और एक बार फिर से वो जमानत चाहते हैं और अपनी पत्नी और परिवार के साथ कुछ पल बिताना चाहते हैं। बता दें कि ऐसे में जमानत याचिका खारिज होने के बाद खबर आई है सिद्धार्थ पिठानी की पत्नी को लेकर। सिद्धार्थ पिठानी की पत्नी की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है सिद्धार्थ पिठानी की याद में कि वो सिद्धार्थ पिठानी के लिए लगातार वकीलों के ऑफिस के चक्कर काट रही है, लगातार सिद्धार्थ पिठानी को जेल से बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। शादी के ठीक बाद सिद्धार्थ पिठानी और उनकी पत्नी हनीमून पर नहीं बल्कि कोर्ट के चक्कर काटते हुए नजर आए, जहां पर सिद्धार्थ पिठानी की पत्नी लगातार कोर्ट रूम के चक्कर काट रही है अपने पति सिद्धार्थ पिठानी को छुड़ाने के लिए। और अब वो इतनी ज्यादा थक चुकी है कि अब यहां पर लगता है कि सिद्धार्थ पिठानी की पत्नी ने मान ली है हार, लेकिन अभी भी वो कोशिश कर रही है अपने पति सिद्धार्थ पिठानी को छुड़वाने की। मिक्स 9 लाइव से रोशनी की रिपोर्ट।